हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही देखा वीडियो, और सही वीडियो में आप लोगों ने क्लिक किया है। अगर आप लोग बॉर्डर के उस पार या आर आते हो, नेपाल या इंडिया में जाते हो, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट फिल करना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को शो करना पड़ता है, उसके बारे में आप लोगों को मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दोस्तों। और एक भाई का कमेंट आया था मुझे कि भाई, रुबड़िया बॉर्डर में क्या क्या डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है जो हमको नेपाल में आने के लिए मिलता है, तो इसी टॉपिक में मैंने ये वीडियो बनाया है, जाके देख लीजिएगा फुल। दोस्तों देख सकते हो, अभी जो आप लोग देख रहे हो वो है इंडिया और नेपाल का बॉर्डर, रुबड़िया बॉर्डर। और देख सकते हो कितना भीड़ है यहाँ पर, और क्या क्या चेकिंग करते हैं, और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट फिल करना पड़ता है, उसके बाद आपको बॉर्डर क्रॉस होता है। वो सारा डिटेल मैं इस वीडियो में दूंगा, आप वीडियो में बने रहें। और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में भी कुछ मैं आपको नॉलेज दूंगा, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके आना चाहिए बॉर्डर में, और किस तरह से इंडिया से नेपाल जा सकते हो, नेपाल से इंडिया आ सकते हो। मैं उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा दोस्तों, वीडियो में बने रहे। तो अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कीजिएगा, और वीडियो में जुड़े रहे, आगे भी अपडेट देता रहूँगा। तो क्या क्या फिल करना है चलो बताते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही देखा वीडियो, और सही वीडियो में आप लोगों ने क्लिक किया है। अगर आप लोग बॉर्डर के उस पार या आर आते हो, नेपाल या इंडिया में जाते हो, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट फिल करना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को शो करना पड़ता है, उसके बारे में आप लोगों को मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दोस्तों। आप लोगों ने सही वीडियो में क्लिक किया है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जैसे आप बॉर्डर में आते हो, या टू व्हीलर में आते हो या फोर व्हीलर में आते हो, उस टाइम आपका जो इसमें जो गाड़ी का कागज़ है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। आपका जो साइड का मिरर है, जो मिरर होता है ना, वो भी एकदम अच्छा होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। विदाउट शीशा का, विदाउट मिरर का अगर आप आते हो तो 15,000 चालान है उसके ऊपर, ठीक है। तो ऐसा कभी भी मत करना, क्योंकि आप लोगों को बहुत नुकसान हो सकता है और आप लोगों को चालान भी बहुत मोटा हो सकता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। जब जब आइए आप टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में आइएगा, आपका गाड़ी एकदम कंडीशन अच्छा होना चाहिए, और आपका जो बाकी जो होता है ना, टैक्स वगैरह सब कुछ क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जैसे आप बॉर्डर में आते हो, तो बॉर्डर में आप लोगों को अपना लाइसेंस या आधार कार्ड शो करवाना है। तो शो करने के बाद वो लोग देखते हैं कि क्या क्या, मतलब क्या क्या सही है, क्या क्या डॉक्यूमेंट सही गलत है, वो सब कुछ देखने के बाद आप लोगों को ओके बोल के भेज देते हैं। और आप लोग कहाँ जा रहे हो, नेपाल कहाँ पे जा रहे हो, काठमांडू, पोखरा, भूटान, नेपाल, किधर किधर जा रहे हो आप लोग, कहीं भी जा रहे हो घूमने के लिए, तो उसके लिए आप लोगों को वहाँ से टोल में, जैसे अब इंडिया में तो टोल होता है, यहाँ पर टोल तो होता नहीं है, लेकिन आप लोगों को कितने दिन के लिए जाना है वहाँ पर आपको एक बिल दिया जाता है, कितने दिनों के लिए आप लोग नेपाल घूमने के लिए आए हो, उस बिल के थ्रू आप लोगों को घूमने के लिए मिलेगा। कहीं भी ऑल नेपाल कहीं भी घूमो आप लोग, कहीं भी जा सकते हो, काठमांडू, पोखरा, सुरखेत, कहीं भी जा सकते हो आप लोग। और उसी डेट के उसमें जो जो रुपड़िया में जो आप लोगों को वहाँ से बिल दिया होता है, उसी डेट में आप लोगों को वापस भी आना है। अगर नहीं आते हो तो उस टाइम में आप लोगों को फाइन हो सकता है, बस इतना ही, बाकी कुछ नहीं होगा आप लोगों को। आपका गाड़ी सीज नहीं किया जाता है, बस आप लोगों को फाइन देना पड़ता है। दूसरी बात, और एक भाई का कमेंट आया था मुझे कि भाई, रुबड़िया बॉर्डर में क्या क्या डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है जो हमको नेपाल में आने के लिए मिलता है, तो इसी टॉपिक में मैंने ये वीडियो बनाया है, जाके देख लीजिएगा और फुल वॉच करिएगा। इस वीडियो में सारा डिटेल में दिया है कि रुबड़िया बॉर्डर से कैसे आर पार किया जाता है, कैसे जाते हैं, कैसे आते हैं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, तो इस वीडियो में आप लोगों को सब डिटेल मिल जाएगा, देख लीजिए। अगर एक दिन के लिए आप लोग रुपड़िया से नेपालगंज आना चाहते हो, नेपालगंज से फिर रुपड़िया रिटर्न जाना चाहते हो, कहीं अब क्लोज होता है ना बहराइच, जैसे अब लखनऊ, दिल्ली, मुंबई से जैसे आते हो आप लोग एक दिन के लिए बस, तो आप लोगों को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी एंट्री करवाने की ज़रूरत नहीं, बस आपके पास होना चाहिए सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड। अगर आधार कार्ड है तो तब भी चल जाएगा, अगर आपके पास पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, फिर भी चल जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पे शो करना है बस आधार कार्ड। अगर जैसे ही आप आधार कार्ड शो कर देंगे तो आपका कुछ भी नहीं होगा, आधार कार्ड जैसे दिखाएंगे आप लोग को वहाँ पे फौजी को, तो आप लोगों को जाने के लिए दे देंगे, और वहाँ पर जाके आप लोग
कहीं भी जा सकते हैं, बस आधार कार्ड शो करवाना है। अगर गाड़ी नहीं लेके आते हो आप, अगर टू व्हीलर फोर व्हीलर नहीं लेके आते हो, बस आपको आधार कार्ड शो करवाना है, उसके बाद आप लोग नेपाल जा सकती हो, कहीं भी घूमने के लिए जा सकती हो। आपको कोई भी टोल नहीं लगेगा, कोई भी कुछ नहीं लगेगा। अगर हाँ गाड़ी लेके आते हो तो तब टोल लगेगा आपका, और कितने दिन के लिए लगेगा वो वहाँ पे बोल देंगे। और आपको भी पता होना चाहिए गाड़ी लेके आओगे तो कितने दिन के लिए आप लोग जाओगे, उसी अनुसार से आपको बिल दिया जाता है, बिल बनाया जाता है। अब ये वीडियो देख के आप लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका होगा किस तरह से आपको क्रॉस करना है, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट देना है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके आना है, फोर व्हीलर के लिए कैसे लेके आना है, टू व्हीलर के लिए कैसे लेके आना है, और पैदल के लिए कैसे लेके आना है। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इससे अच्छा नेक्स्ट वीडियो में, इससे अच्छा नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। और आपको नेपाल के बारे में क्या क्या देखना चाहिए और क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, और आप कौन कौन सा बॉर्डर में आप लोगों को क्या क्या चेकिंग होता है वो भी बता सकते हैं। मैं इससे अच्छा और इससे बेहतरीन आप लोगों को वीडियो और इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही। जय नेपाल, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।